नेशनल डिफेंस एकेडमी। जिस एज में आप हैं उस एज में हमारे देश में कोई भी ऐसा पोस्ट नहीं है जो ऑफिसर लायक रेडी कर दे। सिर्फ और सिर्फ एनडीए ही एक ऐसा पोस्ट है, एनडीए ही एक ऐसा एग्ज़ाम है जिसके माध्यम से आप एक अच्छे ऑफिसर, एक शीर्ष, एक अच्छे पोजीशन, एक अच्छे डिजिग्नेशन पा सकते हैं। यकीन आपको नहीं होता है, बिल्कुल नहीं कीजिए। आप यकीन उन चीज़ों पे कीजिए जो रियलिटी पे, रियल में अपने लाइफ में सक्सेस पाए हैं। आपने बिपिन रावत का नाम सुना होगा। बिपिन रावत वो भी आपके एज में सबसे पहले एनडीए ही ज्वाइन किए थे। पता है आज वो क्या है? चलिए बिपिन रावत से मिलाते हैं हम आपको। ये देखिए, फर्स्ट चीफ ऑफ डिफेंस ऑफ स्टाफ हैं अभी के समय में, और ये सबसे बेहद पोजीशन है अभी के इंडियन फोर्स में। यानी यदि एनडीए के भविष्य देखा जाए तो चीफ ऑफ डिफेंस ऑफिसर तक बन सकते हैं। साथ ही साथ हम आपको कुछ एग्जांपल और देते हैं। आप जानते होंगे हमारे देश में केवल ऐसा दो टाइम हुआ जहां एनडीए की बैचमेंट, एनडीए की बच्चे की बात करना छोड़ दीजिए, एनडीए के कोर्स के कैंडिडेट की बात करना छोड़ दीजिए, एनडीए की हम एक बैचमेंट की बात करते हैं तो एनडीए की बैचमेंट ने तीनों फोर्सेज में यानी नेवी, एयरफोर्स और आर्मी के प्रेसिडेंट रहे हैं। यानी अभी जो वर्तमान में हैं वो भी एनडीए के बैचमेंट ही हैं, और उसके पहले एक बार और हुआ था वो भी एनडीए की बैचमेंट ही थे। ये है मिस्टर सुनीत। मिस्टर सुनीत 1991 में चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे मिस्टर सुनीत 1991 में। इनका ही एक बैचमेंट लक्ष्मी नारायण रामदास जी थे जो उस वक्त उनके साथ चीफ ऑफ नवल स्टाफ थे। इन दोनों का एक बैचमेंट और थे, वो थे निर्मल चंद सूरी जी। निर्मल चंद सूरी जी इन दोनों के साथ चीफ ऑफ एयर स्टाफ थे उस वक्त, चीफ ऑफ एयर स्टाफ थे उस वक्त। तो ये जो तीन लोग थे, आप करेंट में भी जब देखेंगे, अभी वर्तमान में भी जब देखेंगे, तो अभी के जो चीफ हैं वो भी एनडीए के एक ही बैच के हैं। एनडीए की एक बैच की तो बात तो बाद में है। सबसे पहले आपको एक बात और बताना चाहेंगे कि वो सभी स्कूलिंग से भी फ्रेंड थे। कितना अजीब सा लग रहा है ना, एक स्कूलिंग का फ्रेंड एनडीए एकेडमी ज्वाइन करते हैं और एनडीए ज्वाइन करने के बाद कितनी हार्ड वर्क करते हैं कि आज वो सभी के सभी अपने डिजिग्नेशन के सबसे ऊंचे पद पे हैं। वो आज चीफ हैं अपने अपने डिपार्टमेंट में। चलिए हम उन लोग से भी मिलाते हैं, आप उनसे प्रेरणा लीजिए, सीखिए। जब उन लोग इतना आगे निकल सकते हैं तो मैं क्यों नहीं, ऐसा आप कर सकते हैं। चलिए मिलिए। ये है मिस्टर मनोज। मिस्टर मनोज जी अभी हमारे देश के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं। इन्हीं का फ्रेंड, इन्हीं का बैचमेंट अभी मिस्टर करमबीर सिंह जो इस वक्त चीफ ऑफ नवल स्टाफ हैं। मिस्टर करमबीर सिंह जो इस वक्त चीफ ऑफ नवल स्टाफ हैं। इन दोनों का एक और खास फ्रेंड थे, वो हैं मिस्टर
राकेश कुमार सिंह। मिस्टर राकेश कुमार सिंह इस वक्त इनके साथ चीफ हैं एयर स्टाफ का। मिस्टर राकेश कुमार सिंह इस वक्त चीफ हैं एयर स्टाफ का। इस ऊंचाई पे, इस पोजीशन पे सिर्फ और सिर्फ एक माध्यम है, वो है एनडीए, नेशनल डिफेंस एकेडमी। यदि नेशनल डिफेंस एकेडमी का प्रिपरेशन आप अच्छे ढंग से करते हैं और उसे क्रैक करते हैं तो आप इस पोजीशन को, इस डेजिग्नेशन को प्राप्त कर सकते हैं। और ये सभी डेजिग्नेशन, ये सभी पोजीशन, ये हमारे देश के लिए गर्व का बात होता है। पूरी देश इन सभी लोगों पे गर्व करते हैं। आप भी चाहते होंगे कि जब हम अपनी कैरियर नेशन में, हम अपनी कैरियर डिफेंस में बनाएं तो हम इस पोजीशन के लायक बने। तो इस पोजीशन के लायक बनना चाहते हैं तो देर ना करें, आज ही से प्रिपरेशन करें और एनडीए का तैयारी करें। एनडीए के जो सिलेबस है, एनडीए का जो एग्ज़ाम पैटर्न है, वो आप पूरी के पूरी क्लिक करें। यदि आपके पास नॉलेज नहीं है तो गूगल सर्च करें या हमारे कोचिंग को कॉल करें, वो आपको पूरी इन्फॉर्मेशन देंगे। साथ ही साथ ये भी बताएंगे कि एनडीए की कैसे तैयारी करें और किस तरह से हम इस एकेडमी में एंट्री लें, उस ऊंचाई को छू सकते हैं जिस ऊंचाई पे आप जाना चाहते हैं, उसके एंट्री और एंट्री सिर्फ और सिर्फ एनडीए हैं। हमने पहले भी डिस्कस किया है कि बिपिन रावत जो अभी सबसे बड़े पोस्ट पे बैठे हुए डिफेंस में, वो भी कहाँ से थे, एनडीए से। तो मैंने आपको ये बताया कि आप किसी की बातों में यकीन मत करें, बट जो रियलिटी, जो रियल में अभी हो रहा है उस पर यकीन कीजिए, उनसे जानने की कोशिश कीजिए, उनसे सीखने की कोशिश कीजिए, क्या ये सच में ग्रोथ है। यदि इससे बेहतर ग्रोथ है कहीं तो आप जा सकते हैं, नहीं तो एनडीए की तैयारी के लिए, यदि आप फिजिकली और मेंटली दोनों प्रिपेयर्ड हैं तो आज ही एनडीए के कोचिंग के लिए हमसे संपर्क करें, हम आपको उस लेवल पे पहुंचाएंगे। ठीक है, तारा इंस्टीट्यूट आपको पूरी से पूरी सपोर्ट करेगी कि एनडीए का एग्ज़ाम कैसे निकाला जाए और उनकी गाइडलाइन में आप स्टडी करें तो एनडीए का एग्ज़ाम क्रैक करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। इसे इजी वे में निकाला जा सकता है थोड़ी सी मेहनत करने के बाद। साथ ही साथ हम आपको बहुत चीज़ बताना चाहते हैं बट आपके पास टाइम कम है। हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे कि एनडीए की तैयारी कैसे किया जाए, उसका प्रिपरेशन कैसे किया जाए, क्या टिप्स, क्या सजेशन होगा, तो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे। थैंक यू ऑलरेडी।